हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्पेशली मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने के लिए मिला हूँ। जैसा कि पीछे देख पा रहे होंगे, तो टाइटल लगा हुआ है कि बैंक परीक्षा में सफलता कैसे पाएं। जी हाँ, एक छोटी सी कहावत से शुरुआत करूँगा कि क्यों तरसता है बंदे, जल्दी बदलेगा तू मंजर, बस एक झपा झांक ले दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है बंदे, जल्दी बदलेगा तू मंजर, बस एक दफ़ा झांक ले दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, बस एक दफ़ा झांक ले दिल से अपने दिल के अंदर। अगर मानी जाए तो पूरी वीडियो का जो सारांश है वो यही है, इस पूरे सेशन का सारांश यही है कि आखिर बैंक परीक्षा में सफलता कैसे पाए। हमने दो लाइनों में बयां कर दिया कि क्यों तरसते हो, एक दफ़ा अपने दिल के अंदर झांक के देखो कि क्या आप उस चीज़ के लिए हो या नहीं। अगर आपको लगता है, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए हो, तो टूट पड़ो। और यकीन मानो, जिस दिन आप टूट गए ना, उस दिन बैंक परीक्षा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में अगर बैंक परीक्षा के सिलेबस की बात करी जाए, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करी थी। जी, सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करी थी। 3 महीने पढ़ाई करने के बाद मैंने पेपर क्लियर करे IBPS PO, IBPS क्लर्कियल। उस टाइम पे मैंने IBPS क्लर्कियल बैंगलोर में दिया था, मेरा प्री और मेंस दोनों बैंगलोर में था। IBPS PO की बात करूँ, मैं IBPS PO में फाइनली जो सिलेक्शन था मेरा, वो निल्लोर में मिला था तो हमने नहीं लिया, मतलब साउथ में मिला था तो हमने नहीं लिया। और क्लर्क वैसे भी करना नहीं था, क्योंकि क्लर्क मुझे इसलिए नहीं करना था कि आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इतना भागा दौड़ी नहीं था, इतनी मारामारी नहीं थी। आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें हम, तो इतनी मारामारी नहीं थी जॉब को लेकर। इजीली पता था सबको कि हाँ ये चीज़ हो जाएगा। आज के डेट में लोग चपरासी की नौकरी के लिए तैयार है, जबकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो चपरासी के लिए नहीं है, उनके अंडर में वैसे चपरासी होने चाहिए। बैंक परीक्षा के लिए, सरकारी नौकरी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। लोग अपना कई हजार रुपए का पैकेज छोड़ के सरकारी नौकरी में क्लर्क, सरकारी नौकरी में प्यून ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके अंदर डेडिकेशन है, जब आप कुछ करना चाहते हो, तो स्टैंडर्ड लेवल का करो। और आज बैंक परीक्षा के माध्यम से मैं आपको सारे एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, कैसे सफलता पाएं। गाइस, मुद्दे की बात करते हैं कि पहले अपने आप को जज करिए, आपको कितना पता है, आपका जो ड्रॉबैक है, आपकी जो मेरिट्स हैं, आपके जो डिमेरिट्स हैं, वो आपको पता है हमें नहीं, वो आपको पता है हमें नहीं पता कि आपकी मेरिट्स क्या है, आपकी डिमेरिट्स क्या है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर, अजी क्लास ज्वाइन किया है, पैसे दिए हैं, फीस भरे हैं, पढ़ना है अब। वो एक्साइटमेंट ना जाने क्यों 5-6 दिन में खत्म हो जाता है, जैसे ही उस स्टूडेंट ने बीच में 1 या 2 दिन का गैप ले लिया। जब आपको पता है कि गैप लेने से एक्साइटमेंट खत्म हो रहा है, गैप लो ही मत, शादी में जाना है जाओ, फंक्शन में जाना है जाओ। फंक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, फंक्शन खुशी का भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ना कि पढ़ाई से रिश्ता मत तोड़ो। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात को जब आप बिस्तर पे सोने जाओ तो आपका मन कहे कि साला आज हमने पढ़ा नहीं है। भाई साहब, नींद नहीं आनी चाहिए उस टाइम। और मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को 2 बातें बताता हूं, P+P, P फॉर पोटेंशियल और P फॉर प्रैक्टिस। पोटेंशियल आपके अंदर कितना है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, सफलता दौड़ के पीछे आएगी। और यकीन मानिए, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तभी तक, जिस दिन सिलेक्शन होने लगे ना, उस दिन पता चलेगा कौन सा बैंक ज्वाइन करूं पता नहीं चल रहा है।
SBI ज्वाइन करूँ, RBI ज्वाइन करूँ, या IDBI ज्वाइन करूँ, या फिर PNB ज्वाइन करूँ, कौन सा करूँ पता ही नहीं चल रहा। एक स्टैंडर्ड बनाइए। आप बच्चे पता क्या करते हैं, आप बच्चे ये करते हैं, सर बुक कौन सी लें, IBPS आया बुक कौन सी लें, IBPS PO आया बुक कौन सी लें, RRB आया कलर कौन सी लें, RRB PO में बुक कौन सी लें, बैंक ऑफ बड़ौदा आया है बुक कौन सी लें। नहीं, बुक मत उठाइए, स्टैंडर्ड बनाइए अपना, लेवल बनाइए अपना। लाइक पढ़ना शुरू करिए। जैसे मेरी क्लास में सिलॉक्स और पजल दो ऐसे टॉपिक हैं जो परमानेंट होते हैं। सुबह में 10 बजे सिलॉक्स और शाम को 6 बजे पजल, कंफर्म होगा ही होगा, ना का तो मतलब ही नहीं है कि ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपके दो टॉपिक हमेशा हो। आप भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपके वो दो टॉपिक और एक्स्ट्रा हो जो आपका वीक है। यानी सबसे पहले पता लगाइए आपका सेक्शन कौन सा वीक है। वीक सेक्शन का पता लगा लिया आपने, अब वीक सेक्शन का पता लगाने के बाद अब उस पर काम करिए। हम लोग पता क्या कहते हैं, जी मैथ तो कमजोर है, इंग्लिश आती नहीं, रीजनिंग के क्लास में तो सब आता ही है, क्वेश्चन बनता ही नहीं। बेटा जी, या तो अपने आप को उस लायक बनाओ कि अगर आपके सामने रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, जिस चीज में आप अपने हीरो, अपने आप को हीरो मानते हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस वहां पे सबसे तेज दो, अदरवाइज सीख लो। पहली बात तो ये है कि बैंक परीक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस। दूसरी बात ये है बेटा जी कि आप सभी जो ये काम करते हो ना, 10 मिनट इस क्लास में झांक लिया, 10 मिनट उसमें झांक लिया, 10 मिनट उसमें झांक लिया, 10 मिनट उस क्लास में झांक लिया, 10 मिनट उस क्लास में झांक लिया, ये काम बंद करिए। अगर वो XYZ टीचर का पढ़ाया हुआ अगर आपके समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब जितनी मेहनत उस टीचर की है उतनी मेहनत आपकी है, तभी आपको वो समझ में आ रहा है। आप लोग यहाँ पे जज करने लगते हैं कि कौन सा टीचर हमारे लिए बढ़िया है, कौन सा नहीं। बेटा जी, उस टीचर को आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा पता है, तभी वो टीचर है। तो पहली बात, टीचर अपना, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, आप इस बात को मानो। आप लोगों के जैसे सवाल होते हैं, सर मैथ्स कहाँ से पढ़े, बढ़िया टीचर बताइए मैथ्स का। ये भैया, बढ़िया टीचर मैथ्स का घोल के थोड़ी पिलाएगा आपको, बढ़िया टीचर मैथ्स का थोड़ी ना आपको ऐसे मतलब घोल बनाएगा और पिला देगा, पी लो भैया। अगर आपसे कोई पूछेगा रीजनिंग के लिए कहाँ जाए, आप रिकमेंड करोगे भानु सर के पास पढ़ लो भाई, भानु सर आपको रीजनिंग का आर एक दिन, अच्छा पहला दिन आपका ये लो आर आपके दिमाग में सेट हो गया, ई अच्छा कल आना ई दे देंगे, तो रीजनिंग का आर कल दे दिया था, कल आओगे तो ई दे देंगे, अगले दिन आओगे तो ए दे देंगे, फिर SONING, रीजनिंग खत्म। नहीं, ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस, वो भी परफेक्ट वाली, तब जाके बनोगे आप मैन, ह्यूमन बींग, परफेक्ट वाले। तो परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए हमें किसी भी चीजों के लिए। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। तो गाइस, सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी ये होनी चाहिए, हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है। हमारा अगर वीक पॉइंट ये है कि हमें खाना खाने के बाद नींद आती है, तो खाओ ही मत, खाओ ही मत, पढ़ने के बाद खाएंगे जी। नहीं जी, घर वाले डांटने लगते, घर वालों को समझा दो जी हमें रात में लेट नाइट तक पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा लेट खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि सुबह में जगने की प्रॉब्लम होती है, वो सुबह जल्दी जग नहीं पाते। अगर किसी दिन वो सुबह जल्दी जग गए, सुनिएगा, एक स्टूडेंट पे हमने रिसर्च किया, स्पेशली मैंने रिसर्च किया, उसी स्टूडेंट को पता भी नहीं, मैंने उसके साथ, उसको मैंने 1 सप्ताह तक फॉलो करा, 1 हफ्ते तक मैंने उसको फॉलो करा, राजस्थान के एक स्टूडेंट को मैंने 1 सप्ताह तक फॉलो करा, फॉलो अप मैंने 1 सप्ताह तक लिया, और बेटा जी क्या कर रहे हो, ये चीज 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 हमने फॉलो अप में लिया कि भाई जिस दिन मेरी क्लास रात को 10 बजे तक बंद हो गई, शुरू में तो सब कुछ ठीक था, अब
अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन भाई उस बच्ची को रात में नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। उस बच्ची ने कहा कि मुझे मूवी देखना है, पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा ठीक है मूवी देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि जब पूरी रात नींद नहीं आई है तो दिन में तो भैया पलके झपकेंगी ही, दिन में पलके झपकी, सुबह का क्लास मिस, फिर से वही कहानी, रात में नींद आई। रात में नींद नहीं आई क्यों? क्योंकि दिन में तो आपने कोटा पूरा कर लिया। अब बेटा जी जब ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो आप क्या करें, ऐसी स्थिति में आप क्या करें? पूरी रात जग गए, पूरा दिन किसी न किसी कामों में निकाल दो, शाम होते होते रात होते होते आपको नींद ना थकान की वजह से पहले आ जाएगी, 2 दिनों में फिर से अपने टाइम टेबल पे आ जाओगे। तीसरी बात यह है कि आप अपने पढ़ाई का टाइमिंग फिक्स मत करिए कि आज हमें मैथ्स सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, नहीं, आज हमें मैथ्स 4 घंटे नहीं, 4 टॉपिक पढ़ना है, आज हमें मैथ्स 4 घंटे नहीं, आज हमें मैथ्स के 40 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये है वो 40 क्वेश्चन, ये बना के ही उठेंगे। हम लोग क्या ले लेते हैं, अच्छा 3 बज गया और आधा घंटा पढ़ेंगे तो 4 बज जाएगा, अच्छा अभी 3:15 हो, यार टाइम बढ़ नहीं रहे। तो मेरे कहने का मतलब है ना कि जब आप ये सारी चीजें करते हो ना तो इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट होता है। अगर आप खाली क्वेश्चन पे लोगे कि आपको कितना क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन आपके सामने तो चल ही रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 वगैरह वगैरह। चौथी बात ये है कि जब कभी भी बच्चा आप देखते हो कि कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है पेपर में और वो अपनी स्टोरी शेयर करता है, अपना वो स्टेटस लगाता है, और गलती से वहां पे आपको विजिबल हो गया कि इसका सिलेक्शन हो गया, तो आप उसके नीचे, या फिर आपने बहुत सारे लोगों के देखो में मैसेजेस की लाइन आ जाती है कि कैसे, मतलब इंग्लिश कैसे करा आपने, जीके कैसे करा, एक बार मतलब तूने मैथ्स किससे पढ़ी थी, है ना। वो जो है वो आप नहीं हो, वो है और आप हो। उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग है, आप इस बात को समझो। क्योंकि जो वो कर सकता था वो आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हो वो कभी कर ही नहीं सकता। तो बेटा जी मेरे कहने का मतलब है कि जब वो अलग है हम अलग है, तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करूं, मैं क्यों ना खुद की अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं। आज हमें क्या पढ़ना है, तो स्ट्रैटेजी अपनी बनाइए, दूसरों की स्ट्रैटेजी पे काम मत करिए, क्योंकि उसने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी और वो उस पे सक्सेस है, तभी आप उसकी स्ट्रैटेजी की डिमांड कर रहे हो। जिस दिन आपकी स्ट्रैटेजी की डिमांड लोग करने लगे तो समझ जाना सफलता मिल चुकी है। क्लियर? तीसरी बात, मैंने काफी सारे बच्चों के मुंह से सुना है सर मॉक पेपर क्या दें, अभी तो 15 दिन हुआ ज्वाइन किए हुए, अभी तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। सोच के देखो कि जब सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ है तो आज से आने वाले 1.5 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा जो आप पेपर देने के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आज से 1.5 महीने बाद जो पेपर है उसके लिए पढ़ रहे हो पेपर नहीं दोगे, पेपर तो दोगे ना, तो उसकी तैयारी आज और अभी से शुरू करो ना, मॉक पेपर अभी से देना स्टार्ट करिए, क्योंकि यही एक मॉक पेपर है जो उस पेपर में आपको मिलेगा, ऐसा ही मॉक पेपर वहां मिलेगा। तो मॉक पेपर के दौरान आप क्या करिए, सबसे पहली बात मन बनाओ, बी पॉजिटिव, हमें मॉक पेपर देना है। दूसरी चीजें तैयार करो कि हमें मॉक पेपर पेपर की तरह से देना है, मॉक पेपर मस्ती की तरह से नहीं देना है। अच्छा चल यार ये वाला तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, चल 2-3 मैसेज ही कर लेता हूँ यार, नहीं ये सारी चीजें नहीं, एकदम मॉक पेपर एकदम टाइम से 1 घंटा बैठ के, तो जब आप अपनी लाइफ के लिए डेली 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना, 1 घंटा निकाल के डेली एक मॉक पेपर दीजिए। अगर बात करते हैं यहाँ पे सफलता और जल्दी कैसे पाए, तो चैप्टर वाइज चीजों को निपटाइए। सपोज करिए आपने रीजनिंग उठाया, पजल नहीं बन रहा आपसे मत बनने दो, सिलोजिज्म बन रहा है, इनइक्वालिटी बन रहा है, कोडिंग बन रहा है, ब्लड रिलेशन बन रहा है, डायरेक्शन बन रहा है, इनपुट आउटपुट बन रहा है, भाई मेरे सब बन रहा है पजल छोड़ के, सब बन रहा है पजल छोड़ के, तो पहले सब क्लियर कर लो ताकि बाद में आपके पास खाली एक ही मुद्दा रहे और वो मुद्दा रहे आपका पजल, कि पजल कैसे बनाए।
उस पजल के चक्कर में क्या होता है, कोडिंग भी रह जाता है, ब्लड भी रह जाता है, इनपुट भी रह जाता है, डायरेक्शन भी रह जाता है, ठीक है, इनक्वालिटी भी रह जाता है, डीएस भी रह जाता है, सब रह जाता है, और पजल तो होता ही नहीं है। तो गाइस जो चीजें आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है उस पर स्लो प्रोसेस करिए, जो चीजें लग रही है कि आपके लिए डिफिकल्ट है उस पर प्रोसेस करो लेकिन स्लो, जो चीजें लग रही है कि चीजें मेरे लिए आसान है उस पर फास्ट प्रोसेस करिए। क्योंकि देखो चीजें आपके फेवर में है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट होगा आपका ज्यादा, चीजें आपके फेवर में है तो ऑब्वियस सी बात है कम टाइम लेगा वो, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए, मॉक पेपर ज्यादा दीजिए, पढ़ने का टाइम टेबल डिसाइड करिए। और गाइस ये सबसे बड़ी बात यह है ना कि बैंक परीक्षा में सफलता, अगर क्लास में मैं पूछ देता हूँ कि हाउ मेनी पीपल वॉन्ट्स टू गो आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 इन अपकमिंग एग्जाम्स, मेरे ख्याल से शायद एक ही दो हाथ होगा वहां पे जो नहीं उठता होगा, क्योंकि उन्होंने ये सुना ही नहीं कि मैंने पूछा क्या है, बाकी 99% हैंड रेज होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कराना शुरू करता हूं तो बच्चों का कमेंट आना शुरू हो जाता है, सर वो आपने बताया नहीं कि 40 में से 40 कैसे पाए। तो पहली बात तो ये है कि वो बच्चा वहीं पे 40 में से 40 के लिए रुक गया, वो बच्चा कभी 40 में से 40 नहीं ला पाएगा। क्यों? अरे भाई 40 में से 40 लाने का कोई मंत्र नहीं है, वो तो क्वेश्चन करा ही तो रहा हूँ 40 में से 40 लाने के लिए, 35 में से 35 के लिए क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ मैं, तो तेरा ध्यान तो भाई मेरे क्वेश्चन से हटके कहाँ आ गया, हाउ टू गॉट वो वाला शरबत जो पीने से 40 में से 40 आता है, ऐसा शरबत ना तो कभी बना था और ना कभी बनेगा। तो गाइज इन सारी चीजों को हटाओ कि तूने कैसे पढ़ा था, ये कैसे आया, वो कैसे आया। मैंने और सारे बच्चों को देखा, असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, असफल होने का सबसे बड़ा कारण है बच्चे पढ़ने नहीं आते, दूसरों को देखने आते हैं। अच्छा तूने इस क्वेश्चन का आंसर 1.5 मिनट में दे दिया, 1.5 मिनट, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, मेरा क्वेश्चन करके दिखा तू जरा, मैं मान जाऊँ तुझे। बेटा जी आपने भी वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो उनको करना है पेपर में, कहने का मतलब है कि पेपर आईबीपीएस आपसे ये पूछेगा नहीं कि आपका कौन सा क्वेश्चन है जो इनसे सॉल्व करवाना है, आईबीपीएस अपना पेपर देकर कहेगा इसे सॉल्व करो, है ना, वो तो नौकरी में आ जाओ नहीं तो फिर अगले साल ट्राई करो। तो पहली बात तो ये है कि आप कहीं भी पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि आप रेगुलर मेरे सेशन में आओ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके भानु प्रकाश सर्च करो, फॉलो करो, मेरी क्लास में आओ, ये वीडियो आप देख रहे हो, आप जहां भी पढ़ रहे हो आपको जहां भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप वहां पढ़ो, लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़ो, दूसरों को जज ना करने के पर्पज से पढ़ो। जब आप क्लास में एंटर करो तो ये सोच के एंटर करो कि आज हमें कुछ नया सीखना है, ये सोच के एंटर मत करो आज हमें सामने वाले को एक नया ताना देना है, ये सोच के एंटर मत करो कि सामने वाले को मुझे टॉर्चर करना है। ओ भाई तेरा आंसर 5 सेकंड में कैसे आ गया भाई, लगता है दो दो फोन लेके आंसर दे रहा है। मैंने बहुत बहुत सारी जगहों पे ये चीजें देखा है, बच्चे आके पूछते हैं सर आप ये हो क्या, सर आप वो हो क्या। बेटा जी मेरे कहने का मतलब है ना कि जब तक आपके अंदर R+R नहीं आएगा बेटा सिलेक्शन आपका हो नहीं सकता। जी हाँ जब तक आपके अंदर R+R नहीं आएगा सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। R+R का मतलब रेस्पेक्ट एंड रेगुलरिटी, जब तक आपके अंदर बेटा जी रेस्पेक्ट और रेगुलरिटी दोनों नहीं है तब तक आपका सिलेक्शन भाई मैं तो छोड़ दूँ कोई भी नहीं करा सकता। जब तक आपके अंदर R+R नहीं आता है ना तब तक आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। रेस्पेक्ट रेगुलरिटी, आप क्लास में जब पढ़ते हो तो आप इन चीजों पे फोकस करना छोड़ दो, आप इन चीजों पे फोकस करना छोड़ दो, किसका आंसर कैसे आया, किसका आंसर कितने सेकंड में आया, कौन से टीचर की क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन से टीचर ने ये वाला क्वेश्चन गलत करा दिया। क्यों? टीचर है भाई, भगवान थोड़ी है, टाइपिंग एरर हो सकता है। आप वहां पे लेके जज करने बैठ जाते हो जी आपको तो ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आपसे कहीं ज्यादा आता है तभी वो वहां पे बैठा और आप उसका वीडियो देख रहे हो। तो बेटा जी दूसरों को जज करने की भावना छोड़िए, मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं, मेरा मोटो ये है मैं सिर्फ आपको बताऊं कि जिस क्लास में जिस इंस्टीट्यूशन पे आप पढ़ते हो जिस चैप्टर को आप पढ़ते हो उस चैप्टर को उस डेडिकेशन से पढ़ो कि इसमें और नया क्या है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि दो दो साल गुजर गए, बच्चों के मन में एक ही चीज होता है जी
कोई ना, इस बार फिर से तैयारी कर लेंगे। बच्चों से मैं कहूँगा, बेटा जी अनकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आइए, बेसिक वहाँ से करिए, एडवांस यहाँ से करेंगे। नहीं, बच्चे कल भी यही कहते थे सर इसका बेसिक कब सिखाओगे, आज भी यही कहते हैं फ्री वाली क्लास में बेसिक कब सिखाओगे। और जिन बच्चों को पढ़ना है वो अपना चुपचाप प्लस लिया, वहाँ से सीखा, यहाँ पे प्रूफ किया। मैंने बहुत सारे बच्चों को 20-20 दिन में, 25-25 दिन में, 1 महीना में चेंज होते हुए देखा है। क्यों, उन बच्चों के अंदर चेंज का खून दौड़ रहा है क्या? ये ब्लड है चेंज का ब्लड, इसका नाम है चेंज ब्लड। ये आपके लाइफ की हिस्ट्री चेंज कर देगा, इसे इंजेक्ट करवा लो और ना मतलब अगले दिन से चेंजेस शुरू करना है। अलग अगर दुनिया की इस भीड़ में, तो वो कर दिखाओ जो ना लिखा हो हाथों की लकीर में। 2 घंटे आप पढ़ते हो, आपके साथ साथ इंडिया में 20 लाख लोग 2 घंटे पढ़ते हैं। सिलोलिज्म आपको आता है, आपके साथ साथ 20 लाख लोगों को सिलोलिज्म आता है, आपको नया क्या आता है? तो हमें नया ये लाना है बेटा जी कि सिलोलिज्म हमें स्मार्ट तरीका कैसे लगाएं। आपको नया ये लगाना है बेटा जी, पजल से पूरा इंडिया डरता है, आपको पता लगाना है जिस चीज से पूरा इंडिया डरता है वो, उसमें डर हम खत्म करेंगे आपका। मेरा अगला वीडियो इसी चीज पे आएगा कि पजल से खेलना कैसे सीखें, मैं सिखाऊंगा आपको पजल से खेलना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि बैंक परीक्षा आपके लिए नहीं है, बैंक परीक्षा आपके लिए है। और बैंक परीक्षा का सिलेबस मात्र 3 से 5 महीने का है। जी हाँ, मात्र 3 से 5 महीने का, 3 से 5 महीने में बैंक परीक्षा की तैयारी कर सकते हो आप। लिमिटेड सिलेबस है बेटा जी। अगर रीजनिंग की बात करें, 5 हो गया आपका सिलोलिज्म, 5 हो गया इनइक्वालिटी, 2-3 ब्लड रिलेशन आएगा ही आएगा, 2-3 कोडिंग आएगा ही, अल्फा न्यूमेरिक आएगा ही आएगा, पजल के 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक आधा क्वेश्चन आपका सिटिंग रैंडम का आएगा ही आएगा, ब्लड रिलेशन बनेगा ही, ऑर्डर रैंकिंग बनेगा ही, हिस्सा खत्म। लिमिटेड तैयारी करके जाइए, प्रैक्टिस डेली करिए, काम हो जाएगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में बच्चा डर जाता है, मत डरो ना। अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन है? अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन लेके चलो, 35 में से 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के है ना, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन है बेटा जी। अर्थमेटिक नहीं आता, धीरे धीरे काम करने दो। डीआई पे जिस दिन कमांड बना लिया, उस दिन अर्थमेटिक का 2 चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा, रेशियो वाला और आपका परसेंटेज वाला। एज के चैप्टर में कोई बड़ा जान नहीं है, पार्टनरशिप में कोई बड़ा जान नहीं है, आधा आपका अर्थमेटिक वैसे खत्म। डर बना है, अर्थमेटिक नहीं आता। आज सोचो और कल से आना शुरू। सोच के देखो बेटा, क्या उस पजल से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है अर्थमेटिक जिससे आप डरते हो क्या? नहीं ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं सिंपली आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आप तैयारी करते हो, जिस चीज़ को आप अपना टाइम देते हो, तो टाइम इतना दो कि जब ज़रूरत पड़े तो वो आपसे टाइम ही ना ले और आपके क्वेश्चन का आंसर भी निकल के आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक सीखने के लिए अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करिए, जिसके लिए कोड है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे ये कोड लगा हुआ है, ये वाला AN10, जहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और वहाँ पे जो मैं इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा हूँ ना आपके सामने कि बैंक परीक्षा में सफलता कैसे पाएं, मात्र 7 डेज में अगर मैंने आपकी स्पीड ना बदल दी, तो आप किसी भी क्लास में आके कमेंट कर देने कि सर आपने हमें ये चीज़ बोला था यूट्यूब वाले क्लास में कि 7 डेज में स्पीड बदल देंगे। बस चीज़ हमें एक चाहिए, 7 दिनों तक आपका सारा टाइम हमारा, 7 दिनों में आपकी स्पीड का रुख ना बदल दिया तो दोनों से। 3 बार बैंक एग्जाम क्वालिफाई किया है मैंने, हमें चीज़ों को अच्छे से पता है कैसे वहाँ पे हैंडल करना चाहिए। अगर मेरे से पूछोगे, मेरी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन आज तक एक भी ऐसा बैंक का एग्जाम नहीं दिया जिसमें इंग्लिश में मेरा 15 नंबर से कम रहा हो। जी हाँ, मात्र 15 नंबर की बात करो, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन वो 15 नंबर नहीं है, 50% स्कोर है वो। मुझे पता है मैं इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकता, स्कोर में वहाँ उसको रीजनिंग में उठा दूंगा। मुझे पता है मैं अर्थमेटिक नहीं कर सकता, DI सीख लो, सिंप्लीफिकेशन सीख लो। अर्थमेटिक जी होता नहीं है, नंबर सीरीज बनता नहीं है। सर जी DI का 2-3 क्वेश्चन छूट गया था, सर सिंप्लीफिकेशन इतना डिफिकल्ट था, पूछो मत, है ना? ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और हम आपके साथ हैं, यकीन करिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और हमारा जो अगला वीडियो है आने वाला है वो ये है
पजल से कैसे खेलें, पजल से खेलना हम सिखाएंगे आपको। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में हमने कोई इतनी बड़ी बात नहीं करी है, हमने सिंपल सिंपल सी बातें करी है जो एक स्टूडेंट के लाइफ में चलता है, जो स्टूडेंट करता है ना। तो जो बातें अच्छी लगे उसे यहाँ से एक्सेप्ट जरूर करिएगा, और जो बुरी लगे उसे एक्सेप्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करिए और AN10 यूज करिए, और ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे कोर्स कोई सा भी हो।